सब लोग सीधे पीड़ हाथ में लेके एकांत होके और संधान बांध के दौड़ चलते हैं, ये तो जदयू कार्यकर्ताओं की पहचान है। हम सब भाग्यशाली हैं और अपने आप को महफूज मानते हैं कि हम ऐसे नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं। उनके डाक को सुनने वालों की हम लोगों के आप लोगों के नाते कोई कमी है क्या? यहाँ तो हमारे नेता के डाक पर तो हजारों लाखों लोग कार्यकर्ता हम लोग आप लोग जैसे सब लोग सीधे पीड़ हाथ में लेके एकांत होके और संधान बांध के दौड़ चलते हैं, ये तो जदयू कार्यकर्ताओं की पहचान है। और कार्यकर्ताओं के बल पर ही तो पार्टी चलती है। और एक चीज और हम कह देते हैं, ज्यादा समय लेंगे नहीं, सब लोग को जाना है, कि हमको भी पिछले 50 साल से राजनीति को मैं बड़े नजदीक से देख रहा हूं। 40 वर्ष हो गए जब मैं पहली बार विधायक बना था 1982 में, और बांग्लादेश युद्ध के बाद से 1972 में जब इस प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, उस वक्त मेरे पिताजी स्वर्गीय जगदीश प्रसाद चौधरी जी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उस समय हम लोगों का परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था और मैंने उस चुनाव में भी सक्रिय रूप से भाग लिया, मतलब कि उस समय से राजनीति की एक एक चीज हमारे स्मृति पटल पर बड़े ही स्पष्ट रूप से अंकित है। और जो पुराने लोग हैं, दादा जैसे लोग हैं, उनको याद होगा कि 1972 में केदार पांडे जी मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री को मनोनीत करने की प्रथा उसी वक्त से चली थी, जब 71 में बांग्लादेश युद्ध के बाद, जब 72 में बांग्लादेश के युद्ध के बाद लोकसभा के आम चुनाव हुए थे और उसके बाद 9-10 प्रदेशों में 1972 में विधानसभा के चुनाव हुए और सभी प्रदेशों में कांग्रेस की बड़ी जबरदस्त वापसी हुई। और पहले तो कांग्रेस विधायक दल का विधिवत नेता में पर्ची डाल के चुनाव होता था, वोट गिरा के नेता चुने जाते थे। पहली बार हुआ कि आला कमान को ऑथराइज करने, अधिकृत करने की परंपरा की शुरुआत की। ये चीजें मैंने सिर्फ इसलिए कही कि उस समय से मुझे याद है, मतलब केदार पांडे जी के बाद से श्री बाबू या विनोदानंद झा या के वी सहाय जी के काल को हमने न देखा न कोई मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन केदार पांडे जी के समय से हर मुख्यमंत्री के काम को एक राजनीतिक परिवार से आने के नाते मैंने नजदीक से देखा और समझा। और यह हमारे लिए और आप सबके लिए फख्र की बात होगी कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जो हमने अपने सलाहियत और अपने बुद्धि से जो काम करने का तरीका, जो बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने का जज्बा, या जो ईमानदारी, या जो लगनशीलता, जो हमने अपने नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में देखा, वो पिछले किसी मुख्यमंत्री में हमने नहीं देखा था। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। इसलिए, और अगर आप सोचिए कि हमारे पास ऐसे नेता मौजूद हैं, तो जदयू के कार्यकर्ता को कहीं भी सिर झुका के चलने की जरूरत है क्या? आज बताइए, कोई दल का नेता आ जाए, कोई दल का कार्यकर्ता आ जाए, कभी तुलना हमारे नेता से? तो आखिर कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, कार्यकर्ताओं का हौसला ऊंचा रखने के लिए, अपने नेतृत्व के चेहरा और कृतित्व से और अधिक किस चीज की आवश्यकता होती है, बताइए? और
हम सबके लिए सोचने की बात है और देखने की बात है कि जब ऐसे ऐसे दल के जिनके नेता पता नहीं क्या काम करके क्या करके कहां कहां वर्षों से पड़े रहते हैं, जब उस दल के कार्यकर्ता भी सड़क पर निकल के टहलते हैं तो भाई जदयू के कार्यकर्ता की तो वो स्थिति है कि वो अपना सीना गर्व से इतना ऊंचा करके चले जितना किसी दल के कार्यकर्ता के हिम्मत नहीं हो। ये हमारे जदयू के कार्यकर्ताओं की स्थिति होनी चाहिए। ये तो सोचने की बात है कि हम लोग आखिर बिहार के भले के लिए राजनीति सियासत करते हैं और एक नेता, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा नहीं तो फिर पकड़ लूंगा तो फिर आ जाएगा। इसलिए मैं अब अंत में फिर से अपने नेता को जन्मदिन की तथा कथित जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए आयोजकों के प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ, इनको बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ और आभार भी इसलिए प्रकट करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करके हमको भी यहाँ आके अध्यक्षता करने का मौका दिया। इसके लिए हम इनके आभारी भी हैं, इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और अंत में आप सब लोगों जो पार्टी के आंख कान नाक जितने अंग होते हैं सब पार्टी के कार्यकर्ता ही होते हैं, और जैसा कि हमने कहा कि पार्टी चलती है और चलेगी कार्यकर्ताओं की ही बदौलत। नेता तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप हैं जो पार्टी को थामे रखते हैं और पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं। इसलिए कार्यक्रम के अंत में आप मजबूत नेतृत्व के साथ काम करने का हम सबको मौका मिल रहा है, जिसने न सिर्फ बिहार की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया बल्कि जो बड़ी आबादी 70 वर्ष की आजादी के बाद भी जो मुख्य धारा से दूर पड़ी हुई थी, चाहे वो दलितों का हो, अति पिछड़ों का हो, महिलाओं का हो, उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया और बिहार के विकास दर को राष्ट्रीय विकास दर के आसपास से ज्यादा लाने का काम किया और प्रति व्यक्ति औसत जो जो आमदनी है उसको भी बढ़ाने का काम किया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करके माननीय नेता ने प्रमाणित किया है, अगर हम पूरी तरह से पारदर्शी कार्यक्रमों को लाएंगे तो निश्चित रूप से हम प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। जो बिहार बीमारू था, नीतीश कुमार जी के आने के पहले जो बिहार 118 नक्सलधारों से जूझ रहा था, जो बिहार सामाजिक समरसता के लिए संघर्ष कर रहा था, जो जाति और उन्माद से पूरी तरह से पीड़ित था, जहाँ धार्मिक उन्माद अपनी प्रकाश पाते था, वैसा बिहार माननीय नेता को मिला था और माननीय नेता ने 17 वर्षों में इस बिहार को इस देश के आयाम पर लाने का काम किया। जो जो योजनाओं का निर्माण माननीय नेता ने इस प्रदेश में किया उसका अंगीकार दूसरे राज्यों ने किया और यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने योजनाओं को अंगीकार किया है। इसलिए हम सब भाग्यशाली हैं और अपने आप को महफूज मानते हैं कि हम ऐसे नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के माननीय नेता के जन्म दिवस के ऊपर जो एक विमोचन किताब का किया गया है इसको पढ़ें और आम जनता को इसके बारे में माननीय नेता के बारे में इसकी उपलब्धता को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।